इसमें इंक्लूड करूंगा हमारे बलवान जी को, अभिलाष जी को, सिद्धार्थ जी को, रोहित जी को, इन लोगों ने सारे परफॉर्मेंसेस जो इतनी प्रैक्टिस हुई, इतने दिनों भाइयों ने पार्टिसिपेट किया इन सब चीज़ों में और मनोरंजन किया सबका, किचन टीम का, जिन्होंने हमें इतना इतना लजीज खाना खिलाया यार। हम लोग सब एंजॉय कर रहे थे, वो लोग हमारे लिए वो कर रहे थे यार, खाना बना रहे थे सब लोग, पहले उनको भी थैंक यू करेंगे। 3, 2, 1 थैंक यू। इस बार की खास बात है किचन टीम में सर भी थे, सुबह 5 बजे आते थे हमारे लिए, तो फिर से सर के लिए थैंक यू। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती है, कोई व्यक्ति तो सोचे यार मैं झाड़ू लगाने या मैं कब जाऊंगा ये जाऊंगा, लेकिन अगर वो व्यक्ति उसी को कर लेगा, ये किचन में चला जाएगा, कहीं भी चला जाएगा, तो कहीं भी कुछ भी बाहर जाके कोई भी काम कर सकता है वो, उसको किसी तरह वो सोचना नहीं पड़ेगा। और ये तो मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ कि चाहे मेरे घर वालों ने भेजा है, लेकिन ये तो मेरा सौभाग्य है कि मुझे बहुत कुछ प्रति रोज सीखने को मिल रहा है, अभिलाष जी से, बलवान जी से, सिद्धार्थ जी से, पीपीटी बनाते हो। तो लाइक मैं इन 2 दिन का नहीं बोलूंगा, लाइक मेरा ट्रीटमेंट मतलब 1 साल होने वाला है, जो मैंने, मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैंने क्या नॉलेज सीखी यहाँ से, क्या मैंने सीखा, जो एक जरूरी चीज मैंने सीखी है क्षमा से, वो है चीजों को महसूस करना। मतलब एक एडिक्ट चीजों को भी महसूस नहीं कर सकता, चाहे जैसे ये लाइट अभी ब्लिंक कर रही है ना, इसको मैं महसूस कर रहा हूँ, ये कैसे ब्लिंक कर, तीन पिलर पर खड़ी हुई है ये, पहला बिल्डिंग ट्रस्ट, एक ये नीचे से लेके ऊपर तक हम ट्रस्ट ही बिल्ड करते हैं, डेली कोशिश करते हैं। दूसरा टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है तभी ट्रस्ट की जरूरत पड़ती है। और 110 दिमाग यानी डेली इनोवेटिव आइडिया, इतने सारे दिख रहे हैं चारों तरफ, ऊपर से नीचे तक की को मंजिल पर, इनसे करें ना स्टाफ से, हमें बहुत कुछ सीखने मिले। बची बात जो कल्चरल की थी, तो दिवाली का मेरा भी कोई ट्रस्ट नहीं होता था, खाली जो भी अपने व्यवसाय पे घर पे आके अपना नॉर्मल बैठ गए, लेकिन यहाँ आके इतनी एक्टिविटीज मिली मेरे को, डांस का प्लेटफॉर्म मिला, बहुत कुछ सीखने को मिला, सचिन जी हमारे ग्रुप के लीडर, मेरे कंपेनियन भी है, करण जी हो गए आर के डिपार्टमेंट में, तो मेरे को तो ना यहाँ पे जितने भी फैमिली मेम्बर है 120 सबसे मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिलता है, प्लस स्टाफ से, तो मैं तो अपने आप को खुशनसीब मानता हूँ। किसी को शक्ल से देख के बता दे कि वो आगे क्या बंदा महसूस कर रहा है, किसी का गुस्सा, किसी की मजाक, किसी की स्माइल को महसूस, मतलब एक मैं खाऊ ना अपनी, तो मेरे सामने कोई गिर रहा था भी था ना, तो वही उसको ऐसे पहन होता था, आज मेरे सामने कोई डीलिंग में ऐसे भी खड़ा होता है, तो मैं 2 बार सोच रहा है क्या करूँ इसी तरह, मतलब एक इमोशनल, एक इमोशन मेरे में आ गया जो मैंने शपथ दी थी, तो बस यही होगा। जब से चीफ बने हैं, कि इससे पहले अगर चीफ के मोड में मैंने किसी को यहाँ पे देखा तो वो एक सत्यन था, he has that power to control की हाँ, और उसके बाद ओवैसी वो कभी पावर का मैंने वो मिसयूज करते हुए नहीं उस चीज को देखा। ये सर की इस बात से मैं किसी और फ्रेम में चले गया, मैं 2 दिनों की बात करना चाहूंगा फैमिली की, 2 दिन में मैं बहुत खुश था। 1, 2, 3 थैंक यू। तेरे से अपेक्षा ये है, क्योंकि आज लगता है तेरे वो क्या पंजाबी में बोलते हो, ढक्कन खुल गए, कुछ बोलते हो, तेरे आज ढक्कन खुल गए, तेरा आज नया रूप दिख गया, अब तेरा वो चुपचाप बैठना नहीं चलेगा कल से, गट खुल गए, गट खुल गए तेरे, अब तेरा वो रोल ऐसे चुपचाप बैठना, मॉर्निंग में ग्रुपों में जितना आप आज तुमने इन्वॉल्वमेंट दिखाई, कल से वो इन्वॉल्वमेंट दिखा, कल से हर चीज का हिस्सा हो, सोना बंद कर, सोएगा नहीं, मजा आ जाएगा। तो जब मैं गेट के अंदर आया, मैंने वो सारी चीजें गाड़ी में रखी थी, मुझे लगा पहले बात साथ करेंगे, उसके बाद बाहर जाऊंगा तो चीजें साथ पाऊंगा। तो जॉन जी मेरे सामने बैठे,
जॉन जी बोल रहे हैं क्या नशा करते थे वो, ये सब तो सारी स्टोरी बताते। अब मैं जॉन जी को ये बोल रहा हूँ सर जी, अब जॉन जी मुझे नहीं, जॉन जी ने मुझे बोला चलो आप ऊपर जाओ, मेरे पास सर एक मिनट बाहर तो जाने को कुछ काम है, मुझे बोला क्या काम है, मैंने बोला ऐसे ऐसे बोला ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं होता है। तो मेरा मन किया कि अब मैं किसी तरह गेट के बाहर जाऊँ तो वापस ही ना हो, बाहर गाड़ी में बैठ जाऊंगा बोलूंगा मैं अंदर नहीं आऊंगा। तो उस टाइम जॉन जी की चली भाई आप वो हार्मोन एक्टिवेट होते हैं कि जब वो एक्टिवेट होते हैं इंसान के अंदर ऐसे हार्मोन बने होते हैं, जब वो एक्टिवेट होते हैं तो कोई नशा आपको उतना नशा नहीं देगा जितना वो उस टाइम मतलब सब दिमाग तक होता है जब वो रिलीज होते हैं आपकी बॉडी का। सेम वही मैंने आप मतलब फील किया यहाँ कि मैं इतना खुश हुआ कि बिना नशे के मतलब मैंने सोचा नहीं था कि इतना भी मतलब बिना नशे के हम खुश रह पाएंगे। जैसे मैं पिछले दो दिन की बात कर रहा हूँ, आज भी मैं सच में मतलब जैसे वो हाई होते हैं ना पूरा हाई था मैं बिना किसी यूज़ के ना कुछ नशा किया है। जैसे कल सर ने बोला कि आपको मतलब पता भी नहीं चलेगा कि आपने मतलब कितना खुश होंगे मतलब बिना यूज़िंग के। पहली तो आप सबको समझ आई गई होगी, ज़्यादातर को तो आई गई होगी कि ये सर ने इसीलिए किया कि हम लोगों को ना ऐसा महसूस नहीं हम घर से दूर रहते हैं, दिवाली सेलिब्रेट नहीं करें, हमारी दिवाली ऐसी ही रहेगी। दूसरी जो मेरे को चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट लगी ना जो मैंने समझी सर, वो मेरे को ये लगा कि इसका मकसद आपका ना ये था कि हम समझे कि हम बिना नशे के भी ऐसे दिवाली मना सकते हैं। ये मेरे को लगा कि ये मेन इम्पॉर्टेंट बात इसकी ये थी कि हम लोग समझे इस चीज़ को कि दिवाली ऐसे मनाई जाती, असल मायना दिवाली का ये है। अभी तक भी मैं बहुत खुश था ये लास्ट परफॉर्मेंस तक भी, अभी जब ये सर ने कहा ना कि मैं बूढ़ा हो गया हूं नहीं मतलब मेरे कनेक्शंस को जुड़े सर जी उस चीज से कि सर ने कहा मेरी टांग में दर्द है ऊपर नहीं चढ़ा जाता मेरे से, तो मेरा घर सेम थर्ड 3 मंजिल का घर है मेरे घर पे, तो मेरे फादर रेयरली ही यूज्ड टू विजिट अपर 2 स्टोरीज, वो सिर्फ ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं और दिवाली वाले दिन ही यूज्ड टू विजिट। और जैसा कि सेम आप मैं वो चीज को रिलेट कर पा रहा हूँ, सारा फ्रेम ऑफ माइंड मेरे वो पहले कभी नशे में वो चीज रियलाइज नहीं हुई मेरे को। और सबसे दुख वाली बात ये होती है कि अब मैं उस चीज को समझ पा रहा हूँ कि मतलब इनको मैं एज ए पेरेंट कंसिडर कर पा रहा हूँ, अपने फादर को रिलेट कर पा रहा हूँ कि मुझे यहाँ पे प्यार मिल रहा है जहान जी से, जॉन जी से, भगवान जी से, अभिलाष जी से। अभिलाष जी है कि म्यूजिक में मुझे पहले दिन ही मैं आईडी में था और पहले दिन ही पता नहीं वो अल्लाह की मर्जी थी शायद, अभिलाष जी और मैं क्या नाम है चेतन जी पहले दिन ही गिटार लेके आईडी में आ गए, कनेक्शन था कुछ और अभिलाष जी ने बोला गाता है, मैंने बोला हाँ तो गाना। और मैं पिछले 5 साल से ये सब भूल गया था, 5 साल से मैंने छोड़ा था सब कुछ, और मैं अब फिर से सर का थैंक यू मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, बस इतना बोलना चाहता हूँ कि मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज्यादा खुश हूँ सबके लिए। थैंक यू जॉन जी के लिए, सर के लिए, बलवान जी, अभिलाष जी के लिए, सबके लिए मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ दिल से। थैंक यू जैसे सर बोलते हैं हर बार, जैसे सर आप बोलते हो सेम मेरे डैडी भी वैसे हैं, आप बारीकी से दिल में देखते हो छोटी छोटी वहाँ का वो चिल्लाना गुस्सा दिखाना वो कंसर्न दिखाना, तो उस टाइम पर मुझे अपना पापा याद आता है सेम भी वो मतलब मैं उनको मिस करता हूँ सेम वो आपकी कला है जैसे आप यहाँ और आपका दिल सर बहुत बड़ा है रही है सर, ये मैंने दिल की बात कर रहा हूँ सर, क्योंकि आपको अगर आप चाहते तो ये सब इतना खर्चे में करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, अगर आप चाहते कि आप उनके जो यहाँ पड़े हैं सब नशा नशे वहाँ से, लेकिन सर आपने ऐसा कंसर्न दिखाया उसके मतलब मेरा और भी वो मतलब मैं पॉजिटिव हो गया ट्रीटमेंट को लेकर, बस थैंक यू। मैं यही बोलूंगा सर भाइयों को ये नशा कुछ नहीं है, बस यही बोलूंगा नशे से दूर रहो हमेशा। थैंक यू तो अगर कोई रिलेट कर पाए क्योंकि बाहर तो मैं मुझे समाज ने एक तरीके से ठुकरा दिया था, तो उसी के ऊपर 2 लाइनें रख के लिए अपनी तरफ से कि दुनिया ने ठुकराया मुझको तेरी शरण में आया हूँ, अब तो बना दे बिगड़ा नसीबा, अब तो बना दे बिगड़ा नसीबा,
ये तो तिहारी मर्जी है। दिवाली हम मनाते ही नहीं थे, ये मायना है। और मेरे को ये बताना था आपको कि यार ये मकसद मेरे को फील हुआ कि ये मकसद था सर का कि हम सब समझ पाए यार कुछ नहीं रखा, ये ऐसे मनाई जाती है, ऐसे खुश रहा जाता है। और आप सभी भाइयों को दिवाली की राम राम। और बस सर थैंक यू सो मच। आप सब लोगों का धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। इतने अच्छे मेरे को चने के जाड़ में चलाया, वहां बैठ के क्या सोच रहा हूँ ईमानदारी से, जिस मकसद से ये सब किया गया था वो तुम्हारे तक ट्रांसफर हुआ, वो लोगों तक समझ आया। वही मुद्दा, उस मुद्दा इतना है जो मैंने कल कहा, उस बेंचमार्क को बदल, सेलिब्रेशन पार्टी एंजॉयमेंट के बेंचमार्क को बदलना, जो डेफिनेशन था उसको बदलना, बस यही मकसद था इस सारे का। और अगर वो तुम्हारे तक पहुंच गया मेरे तो मजा आ गया, मैं आज आराम की नींद सो गया। शफा।